नमस्कार, मैं हूँ टीपी सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया बोल। हजारीबाग में टोल नाका बना है, 1 जनवरी से स्टार्ट होना था लेकिन अभी तक नहीं स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो टोल नाका बना है वो नियमों कानूनों को ताक पर रखकर बनाया गया है। NHAI के जो यहाँ पद के पदाधिकारी थे उन्होंने जबरन यह टोल नाका बनवाया है, जबकि जो नॉर्म्स कहता है कि यह नगरीय क्षेत्र से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, क्योंकि तुरंत अगर नगर के बाहर के लोग अंदर बाहर आएंगे तो उनको टोल देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में टोल नाका नहीं बनाया जाता है। दूसरी बात है कि 60 किलोमीटर की दूरी पर NH जो होता है नेशनल हाईवे पर 60 किलोमीटर की दूरी पर बनना चाहिए। तो यहाँ नगवा में हजारीबाग जिले का जो नगवा है NH 33 पर जो टोल नाका बनाया गया है, वहाँ से जो रसोईया धमना है NH 2 पर जो टोल नाका है उसकी दूरी मात्र 32 किलोमीटर है। ऐसी स्थिति में नॉर्म्स यह नहीं कहता है कि ग्रामीणों के गर्दन पर छुरी जला दिया जाए। दूसरी बात यह है कि आप देखिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो टोल नाका बनाया गया है, इसके बगल में जो रहने वाले लोग हैं उनको किस तरह से जेल में बंद कर दिया गया है। यह जो दीवार बना दी गई है, यह दीवार आप देखकर बता सकते हैं कि कैसे लोगों का शोषण किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ टोल नाका बन रहा है तो टोल नाका के बगल में रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, उनको बंद कर दिया जा रहा है, यह भी गलत है। इस बात को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, सर्वदलीय धरना प्रदर्शन हो रहा है। सभी दल के लोग, विधायक, सांसद, सभी ग्रामीणों के पक्ष में हैं ताकि कोई फ्रूटफुल फैसला आ सके। हालांकि फैसला जब तक नहीं आ जाता है तब तक आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। देखना है कि यह आंदोलन कितने दिनों तक चलता है। प्रशासन ने इनके साथ मीटिंग भी बुलाई है, अब देखना है कि मीटिंग का फैसला क्या होता है, ग्रामीणों के पक्ष में आता है या सरकार के पक्ष में, क्योंकि सरकार लोगों पर जजिया कर की तरह टैक्स लादने पर आमादा है, तुली हुई है। भाई हैं उनसे आग्रह होगा कृपया यहां पर आवे, आइए। कृष्णा मेहता जी, हेलो। आज इस धरना का संचालन करता संजय मेहता जी और इस धरने को अध्यक्ष